भगवान जैमिनी जी से ऋषियों ने पूछा एक बार कि आप बताइए, ये भगवान नीलाचल धाम में एक लकड़ी में भगवान विराजित, एक काष्ठ स्वरूप में, दारव तनु दारु विग्रह के रूप में, दारु कलेवर के रूप में, दारु मतलब होती है काष्ठमयी, जो भगवान का स्वरूप है लकड़ी से वृक्ष से जो स्वरूप बना है, तो पुरुषोत्तम भगवान इस नीलाचल धाम में किस कारण से इस दारव तनु में है, ये प्रश्न पूछा। यहां इसे सुनने से कई अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है और भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा सफल हो जाती है, उनके प्रियता हो जाती है। इसलिए हमने कहा जगन्नाथपुरी में बैठे हैं तो ये थोड़ा महात्म्य शास्त्र के हिसाब से, जगन्नाथ जी के भाव पक्ष की तो कई कथाएं हमने बता दी। जगन्नाथ मतलब श्री कृष्ण, समझ रहे हैं ना, तो इसलिए ना कहिएगा एक दिन तो लगा ही दिया, आज भी श्री कृष्ण की बात नहीं कह रहे हैं, जो भी जो कुछ कहेंगे श्री कृष्ण की बात कहेंगे। तो बड़ा सोच समझ के हमने श्री कृष्ण कथा नाम रखा, ऐसे ही ना कहा भागवत कथा रखते तो आजकल के श्रोता इतने चतुर है, महाराज जी आज तो धुंधकारी का काम हो जाना चाहिए, इतने सारे को रुक्मणी ब्याह होना चाहिए, जो कथा की जो सारणी होती है ना, वो सिलेबस, वो शेड्यूल, वो क्रम उनको पूरा पता होता है। महाराज जी बीच में तो राजा रहुगण को जो उपदेश किया वो थोड़ा कम करवाया आपने, ऐसे ऐसे श्रोता जो श्लोक बराबर कह देते हैं, कभी कभार तो वक्ता झेम जाते हैं, ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं। क्यों, अब हमने जो विषय लिया कोई नहीं कह सकता, जिधर से भी हम कहेंगे। अब देखिए आपने कोई तय किया रसगुल्ला इधर से खाना है, सब दिशाओं से रसगुल्ला रसगुल्ला ही होता है, आम में भी दिशा है देख लो, कभी आम को पीछे से आपने चूसा नहीं होगा, आम की भी एक दिशा होती है, पर ऐसे भी नहीं खाते। आपको पता है कि किस जगह से आम आम का रस चूसा जाता है, वो आपको पता है, लेकिन रसगुल्ले की किसी ने विधि बताई, तो हम रसगुल्ले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जिधर से भी बात करेंगे श्री कृष्ण तक पहुंचेंगे। जैमिनी ऋषि से पूछ लिया, जैमिनी ऋषि बोले देखो भैया एक बात कहें, खुद भगवान नील माधव ने अपना महात्म्य कहा था श्री ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने कह दिया भगवान भोलेनाथ को, और भगवान भोलेनाथ ने कहा कार्तिक स्वामी भगवान स्कंद को, और भगवान स्कंद ने मंदराचल पर्वत के ऊपर सिद्धों की एक मीटिंग हुई, बड़े बड़े जोगी जति मुनि सब बैठे थे, और वहां पे भगवान स्कंद से पूछा कि आपको बड़ा, आप शिवजी के साक्षात बेटे हैं और विष्णु के साक्षात स्वरूप हैं, तो आप देवताओं में अजय हैं, महापराक्रमी हैं, देवसेना कहे जाते हैं, सुरों के सेनापति आप ही कहे जाते हैं, तारकासुर का वध करने वाले हैं, आपको बड़े रहस्य पता हैं, एक बात बताइए ना, क्या भगवान लकड़ी के स्वरूप में पूरा एक वृक्ष का वैसे, और भगवान का पूरा स्वरूप, और कहते हो किंचित मात्र पुरुषोत्तम भगवान से कम नहीं, साक्षात स्वयं भगवान ही विराजित हैं उस कलेवर में, स्वयं भगवान, तो भगवान इस कलेवर में आए क्यों, ये कुछ बताइए। तब जैमिनी ऋषि ने कहा उस सिद्धों की सभा में जो कहा गया, उस समय मैं वहीं विराजित था, अब आप सब लोग ऋषि मुनिगण आए हैं तो मैं आपको बताता हूं। तो उन्होंने कहा, वास्तव में अवंती देश के राजा थे सूर्य वंश में, उज्जैन बोलते हैं अवंतिका, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पुरी ही द्वारिकाश्चैव सप्ते ते मोक्षदायिका। इनमें अयोध्या है, मथुरा है, माया हरिद्वार है, काशी जी है, और कांची दक्षिण की, विष्णु कांची शिव कांची दोनों कांची, अवंतिका कौन से को, उज्जैन और पुरी द्वारिका, ये सब पुरियां मोक्षदायिका है। तो अवंतीपुरी के राजा थे इंद्रदुम्न महाराज,
एक बार उनके मन में आया कि मुझे तो भगवान से प्रकट मिलना है, तो अपने सब लोगों से पूछा, क्या भगवान को इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते? मैं तो इन्हीं चर्म चक्षुओं से देखना चाहता हूं। राज पुरोहित से लेके राजा की इस कोरी भावुकता पे कई भीतरी भीतर कई महात्मा हंसे। उन्होंने सोचा, दिव्यम ददामि ते चक्षु, भगवान तो दिव्य चक्षु का विषय है, या प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, जो प्रेमंजन से या ज्ञानांजन शला किया, ये ज्ञान चक्षुओं से पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, इससे देखे जाते हैं, तो भगवान को ऐसे कैसे देख लेंगे। राजा थोड़े नीरे भोले हैं। तभी क्या हुआ, एक जटाधारी परम तेजस्वी महात्मा, उन्होंने कहा, महाराज चर्म चक्षुओं से भगवान देखे जा सकते हैं। उन्होंने कहा, इस समय भगवान नीलांचल पर्वत पे, एक रोहिणी कुंड है, वहां पे कल्पांतशायी एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, उसके नीचे नीलकांतमणि इंद्रधुम्नमणि से बना हुआ भगवान का एक विशाल कलेवर शिव विग्रह है। वो नीलमणि से बना हुआ सुंदर विग्रह, उसे देखेंगे ना तो जो भगवान में साक्षात माधुर्य, साक्षात ओज तेज, वो बड़े पवित्र आत्माओं को ही दिख पड़ता है, क्योंकि वो स्वरूप मनुष्यों की पूजा के लिए नहीं था, उसकी तो पूजा करते हैं देवता, और देवता उसे अपनी निधि मानते हैं। उस नीलांचल देश में देवता आके छुप छुप के उनकी आराधना करते हैं उन भगवान की, और इतना सुंदर स्वरूप है, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले, कोटि कोटि कामदेवों का दर्प है, उसको दलित करने वाले ठाकुर, ऐसे सुंदर, तो उनको देखना बड़ा दुर्लभ है राजन, पर अगर आप उन्हें देख लेंगे तो इन्हीं चर्म चक्षुओं से आपका भगवान का साक्षात्कार माना जाएगा, फिर जीवन भर ये कहना मुझे भगवान मिल गए। उन्होंने कहा, वो भगवान का श्री विग्रह नहीं, स्वयं भगवान ही है, श्री विग्रह रूप में प्रतिभासित होते हैं, लेकिन वो विग्रह मुस्कुराता है, हंसता है, बोलता है, पलके झपकाता है, लीलाएं करता है, भोजन करता है, और ऐसे विग्रह जैसे श्रीनाथ जी ने किया गोविंद स्वामी जी के साथ खेलते थे, कृष्णदास अधिकारी जी के पदों पे खूब मुस्कुराते थे, वाह ऐसे बोला करते थे। गोविंद स्वामी जी के तो श्रीनाथ जी अभी 500 वर्ष पहले दावले आयो भज गंवार, ठाकुर जी को तो अरे गंवार मेरा दाव लेके भग के आ गया, तुझे बताऊंगा। भगि मंदिर भीतर कृष्ण गए तो गोविंद भीतर जान लग्यो, जब पंडन मार निकार दियो तो बाहर ही अति कोप जग्यो। मंदिर के भीतर अपने सखा को मारने के लिए गोविंद घुसा और अभी दोष खींच के लगाए, इतने में भीतर या सब लोगों ने पकड़ लिया, अरे ब्राह्मणी के, और दो तीन लगा के बाहर धकेल दिया। जिन ठाकुर जी की अपरस की सेवा होती है उनको कोई सूंघते, देखो उनके सखा ने दो खींचे अच्छे से, और भगवान तो भगि मंदिर भीतर कृष्ण गए तो गोविंद भीतर जान लग्यो, जब पंडन मार निकार दियो तो बाहर ही अति कोप जग्यो। इतना कोप जगा है, मई ठोकत डंडा प्रचारत गारी दे तू कड़ी है कबल्यो न भग्यो है, क्या ए तो बैठो रहूंगो तेरे लिए मोहे दाव दियो न पूरो ठग्यो, मई ठोकत डंडा प्रचारत गारी दे
बताओ त्रिभुवन राई को, त्रिभुवन राय त्रिभुवन के स्वामी त्रिलोकी नाथ को गाली देते हुए गोविंद, तो उस समय भगवान आए थे शिव ग्रह के रूप में नहीं रहे। बाकी बिहारी जी की लीलाएं सुन लेंगे ना, आए दिन ब्रज में होती ही रहती है, कितनों के साथ हुई है। जरा सा नैन मटक्का हो जाए तो बिहारी जी भग जाते हैं पीछे पीछे। कल हमने मदन मोहन जी की लीला सुनाई, राधा गोपीनाथ जी की, पन्ना के ठाकुर युगल किशोर जी की। तो ये ठाकुर ये ना एक स्वयंभू भगवान होते हैं, जो स्वयं संभव स्वयं प्रकट हुए हैं, जैसे जगन्नाथ भगवान, और एक रसिकों द्वारा सेवित, जैसे गोविंद देव भगवान, गोपीनाथ भगवान, राधा वल्लभ लाल, राधा रमण लाल, ये सारे कौन है? रसिकों के ठाकुर हैं, रसिकों ने प्रगटा लिए। और तीसरी वैदिक प्राण प्रतिष्ठा से भगवान के शिव विग्रह। हमने तो भगवान की कृपा से ऐसी बातों को जाना कि सारे इस प्रभु स्वरूप ही स्वयंभू होते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त महिमा जिन स्वरूपों की गाई गई, वहां जाएंगे ना तो बहुत भाव की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, उनका वस्तु गुण ही ऐसा होता है। तो पूरी है नीलांचल नाथ नील माधव का वो स्वरूप जो बताया, वो चलता फिरता सर्वसाधारण भी कोई देख ना पाए उन्हें, और वो देखता था तो वो बस कृतकृत्य हो जाता था। तो राजन आप उनके दर्शन कीजिए, वो जटाधारी महात्मा अदृश्य हो गए कह के। तो राजा इंद्रधुम्न चित्कार करने लगे, कहीं जगन्नाथ महाप्रभु ही तो अपनी महिमा गा के नहीं चले गए। उन्होंने अपने कुल पुरोहित से कहा कि नील माधव के दर्शन की तैयारी करवाओ, पहले पूरा रास्ता वास्ता पता करवाओ, किसी को भेजो कहाँ है, उत्कल देश में किस जगह है, कहाँ रोहिणी कुंड है, कहाँ कल्प कई योजन दूर तक फैला हुआ वो कल्प वृक्ष है, कहाँ है, उस कल्प वृक्ष के मूल में भगवान नील माधव हैं, तो एक बार जाके पता करें। तो पुरोहित जी ने अपने भाई विद्यापति को भेजा, और वो विद्यापति इतने प्रेमी भक्त थे, भगवान ने उन्हें बुलाया, और विद्यापति अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने नील माधव के दर्शन किए। जब विद्यापति यहां आए तो इधर नीलांचल क्षेत्र में बाहर अर्चिका चर्चिका देवी के दर्शन किए, भगवती चामुंडा के दर्शन किए, और उनका बिना देवी की कृपा के प्रभु के और प्रभु की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, इसलिए माँ जगदम्बा की पल पल में आराधना करते, भगवान नरसिंह की आराधना करते, और फिर उन्हें उग्र स्वरूप भगवान नरसिंह के दर्शन हुए, जिनका शिव विग्रह अभी भी विद्यमान है अद्यावधि। अब उन्होंने कहा मुझे नील माधव से कौन मिलवाएगा, और अचानक मिल गए। देखो गुदड़ी के लाल भगवान के भक्त कैसे कैसे रूपों में छुपे होते हैं। एक शबर, शबर जिस जाति की शबरी थी, भील जाति होती है, तो ये शबर जाति थी, शबर जाति के विश्वावसु नाम के शबर हुआ करते थे। अकेले वो मनुष्य थे, अपने शबरों को लेके एक जगह बाहर खड़ा करते थे, खुद भीतर जाते थे, ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते थे, दर्शन करते थे। अकेले मनुष्य एक ब्राह्मण एक शबर, वो भगवान नील माधव से बात करते थे, और ठाकुर जी बोला करते थे ये निर्माल्य दो, ये देवराज इंद्र ने चढ़ाया, ये लो भोग ले लो, ये देखो कितना अच्छा अच्छा भोग लगा तुम पाओ। तो विश्वावसुगम जो और शबर थे, लोकोत्तर सामग्री उन्होंने भगवान का उच्चिष्ट पाया, शुरू से भगवत प्रसाद पाया। और ये विद्यापति, इनके मन में प्रेरणा हुई कि ये शबर है, ये कोई साधारण जीव नहीं है, कोई ऐसी बात है जो रहस्य के नहीं पता है। और ब्राह्मण ने कहा मैं अतिथि हूं, आप अतिथि धर्म को मानने वाले हैं, तो मुझसे सत्य निवेदन कीजिए, आप जानते हैं नील माधव के विषय में। तो शबर चौंक गए, अरे मेरे जीवन का धन मैं किसी को नहीं बताता, और मैं किसी को बताऊंगा भी क्यों, मैंने अपने शबर भाइयों को नहीं बताया, अगर इन्हें बताऊं कल को प्रभु रुष्ट हो गए तो ये तो गोपनीय बात है, कल अगर वो मुझसे बोलेंगे बतलाएंगे नहीं
हंसेंगे बोलेंगे नहीं तो मेरा जीवन तो नष्ट हो जाएगा। पर उन्होंने कहा ये ब्राह्मण है, इनसे असत्य बोलूंगा तो गलत है। और दूसरी बात, श्रीमन्नारायण नारायण, तो उन्होंने कहा तो ब्राह्मण के नाते असत्य नहीं बोल सकता, अतिथि के नाते असत्य नहीं बोल सकता, क्या करूं नाथ। पर उन्होंने कहा मेरे प्रभु मेरे मन की इस दुविधा को जानते हैं। तुरंत विश्वावसु ने कहा ब्राह्मण देवता वचन दीजिए यहाँ पे प्रचार न हो। उन्होंने बोला नहीं, वास्तव में मैं राजा इंद्रद्युम्न को ही बताऊंगा। तो उन्होंने कहा बोले बस आपने पूछ लिया तो मैं सत्य कहता हूँ, मैं नील माधव के विषय में जानता हूँ, उनका एड्रेस भी जानता हूँ और कहाँ वो किस निकुंज में रहते हैं वहाँ भी जानता हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे मिलवाओ उनसे। और तब ये विद्यापति ब्राह्मण मिलने गए और उस विशाल वट वृक्ष के नीचे, ऐसा नीलांचल पर्वत था, दुर्गम पर्वत जहाँ किसी का प्रवेश न हो सके, एक पग डंडी पे चलते हुए जैसे पहुंचे, अचानक उन्होंने देखा मणियों के पेड़ पौधे आ गए, दिव्य प्रकृति, दूसरा राज्य, दिव्य चिन्मय धाम। उन्होंने देखा एक प्राकृत कौवा आया, पर आया जैसे ही इस दिव्य राज्य में प्रवेश किया, भगवान नील माधव के सामने आते ही कौवे की देह खत्म और दिव्य श्यामल वपुधारी भगवान का दिव्य पार्षद बन के हाथ जोड़ के प्रभु की स्तुति करने लगा। एक कौवे की यह गति। उन्होंने बोला ये नील माधव रहेंगे तो इनको देखेंगे लोग, सीधे सीधे भगवत पार्षद का स्वरूप धारण कर लेंगे। उन्होंने विद्यापति बावले हो गए, भगवान के प्रेम में बार बार मूर्छित होने लगे। हे नाथ कैसे अवंती जाऊं, कैसे वापस, अब तो मैं कहने जिन आँखिन ते तव रूप लख्यो तिन अखियन सो अब देखी का। अब कुछ और देखने की चाहत तो नहीं है नाथ। तभी आकाशवाणी होती है, जाओ विद्यापति शीघ्र जाओ और सुनो, अब मैं स्वर्णमयी बालिका बालुका में समा जाऊंगा और पाताल के मार्ग से अपना लोप कर दूंगा और अब महाराज इंद्रद्युम्न के कारण मेरा दूसरा कलेवर प्रकट होगा, इसलिए तुम अंतिम व्यक्ति हो जो दर्शन कर। पर महाराज इंद्रद्युम्न को न कहना वरना वो विरह वियोग में वहीं प्राण छोड़ देंगे, उनको इधर भेज दो। अब अचानक एक स्वर्णमयी रेत का, जैसे बालू का है ना यहाँ पे समंदर किनारे, ऐसे स्वर्णमयी बालू का ऐसा हाथ को हाथ न सूझते थे और अचानक नील माधव और धरती में पाताल मार्ग से लोप करने लगे, सारा दिव्य वन अंतर्निहित होने लगा और नीलांचल पर्वत भी गया। अब उन्होंने कहा विद्यापति बड़े दुखी, महाराज इंद्रद्युम्न को जाके बस ऐसे कहते हैं महाराज मैंने ऐसे ऐसे नील माधव देखे, मैंने ऐसा सुंदर वो राज्य देखा, ये सब बातें उन्होंने कही। और अब महाराज इंद्रद्युम्न पूरी तैयारी करके निकले और जैसे ही कटक क्षेत्र आया उसी समय अपने प्रियतम की इन हवाओं से और उनके कदम इतने भारी हो चले थे, प्रभु मैं कैसे पहुंचूं आप तक, हृदय की गति तेज बढ़ने लगी, कब मैं अपने नील माधव के दर्शन करूंगा। इधर क्या हुआ, देवता नित्य की तरह पूजा करने आते थे, आज देवताओं ने देखा नील माधव नहीं है, हमारे नील माधव कहाँ चले गए। तो उन्होंने कहा देवता बड़े भोगी होते हैं, किसी ने कहा देवता तो बड़े विलासी होते हैं, भगवत प्रेम देव स्वरूप में कैसे आएगा। लेकिन हम आपको सत्य कहें तो ऐसा विरह देवताओं में व्यापा कि जैसे गोपियों का विरह था ना, ऐसे सब देवता क्रंदन करने लगे,
इंद्र महाराज ने कहा अब स्वर्ग जाके क्या करेंगे, जब से नील माधव मिले तब से हमें कुछ और सूझता न था, और वास्तव में मनुष्यों को भगवत प्राप्ति का अधिकार होता है। पहले ऐसे ठाकुर जो हम देवताओं को मिले और जिन्होंने देवताओं की विषयासक्त बुद्धि छीन ली हो, अपने चरणों में अनुरक्त कर लिया हो, ऐसे प्रभु के बिना अब हम रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। ऐसे उन्होंने बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति, भगवान की वंदना की। भगवान ने आकाशवाणी करके कहा, सुनिए आपका काम अब बनेगा, मैं नवदारु कलेवर धारण करूंगा महाराज इंद्रधुम्न के कारण, तो आप उन्हें आने दीजिए। देवता बड़ी तेजी से प्रतीक्षा करने लगे कब महाराज इंद्रधुम्न आएंगे उड़ीसा में। और महाराज इंद्रधुम्न ने जैसे प्रवेश किया, कटक से आगे जैसे वो पहुंचे, नृसिंह भगवान के दर्शन कर लो, नारद जी ने कहा दर्शन कर लो, तो कहने लगे इंद्रधुम्न राजा, गुरुदेव आपके मिल जाने पे सब कुछ मिल जाता है, आप क्यों, ये नृसिंह स्वरूप तो थोड़ा खूंखार सा लगता है, वो थोड़ा प्यारा सा स्वरूप, वो नील माधव स्वरूप मैं कब देखूंगा, गुरु जी बता नहीं रहे चेले को कुछ भी। अरे चलो तो सही, विद्यापति ने नारद जी के नेत्रों में देखा क्या बात है, कितने अच्छे तरीके से रहस्यों को छुपाते हैं। विद्यापति को पता है, देवर्षि को भी पता है, भगवान स्वर्णमयी बालुका से लोप होके पाताल जा चुके हैं, किंतु अब जैसे ही इंद्रधुम्न ने यहां प्रवेश किया, ऐसा भीषण विरह उनका देखा, समस्त अष्ट सात्विक विकार छोड़िए, ऐसी महादशा उन्माद की प्रकट हुई, और उस प्रेममयी दशा को देवताओं ने देखा, सब सराहने लगे। देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा, सुनो राजन, भगवान आपको मिलेंगे, यहां पे 1000 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करो और भगवान प्रकट होंगे। तो सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किए, 1000 अश्वमेध यज्ञ के बाद में एक दिन राजा ने सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अरुणोदय के समय देखा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, अतिशय श्यामल वपु है, कर्ण द्वय में मकराकृति कुंडल झलमलाते हैं, सुंदर असंख्य दिनमणि मंडल मंडन, असंख्य सूर्यों के समान मणियों से और जटित जिनके आभूषण हैं, भृगुपाद ये श्रग अंगद बाही, ओहो ऐसा सुंदर स्वरूप, दिव्य अलसी कुसुम सम श्याम रंग शोभित है, शंख चक्र गदा पद्म कर में विराजे हैं, एक एक अंग छवि उपमा कहीं न जाए, एक एक रोम छवि काम कोटि लाजे हैं, ऐसे प्यारे प्रभु को और स्वप्न में दर्शन देख करके इंद्रधुम्न महाराज ने भगवान की वाणी सुनी। उनके एक पार्श्व में लक्ष्मी जी विराजित थी और दक्षिणांग में कौन थे, बलभद्र जी, चक्रराज सुदर्शन जी थे और भगवती सुभद्रा जी थे। तब उन महाप्रभु ने कहा, राजन जाके देखो, आज मैं नवदारु कलेवर तुम्हारे और समक्ष अपना प्रकट करने वाला हूं, तो उसके लिए वो दारु स्वरूप वो वृक्ष आपके सामने प्रकट होगा आज। और आप जानते हैं उसी दिन भगवान का वो दिव्य वृक्ष प्रकट हुआ था, समंदर के किनारे कई योजन दूर का वो वृक्ष था। कई लोग भोलेपन में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अध जला शरीर यहां पहुंचा और उन्हीं का जो नाभि ब्रह्म स्वरूप है वो यहाँ स्थापित कर दिया। उड़ीसा के किंवदंतियों में बहुत बड़ी तादाद में ये बात कही जाती है,
शास्त्रों में इसका वर्णन कहीं नहीं आता है। भागवत जी साफ साफ खंडन कर देती है, वो कहते अदग्ध्वा, अपना वपु भगवान ने दग्ध नहीं किया, भगवान उसी चिन्मय स्वरूप के साथ में अंतर ध्यान हुए थे। तो फिर अंतिम संस्कार श्री कृष्ण का कहीं ने पढ़ा है? यहां राम जी का अंतिम संस्कार हुआ ऐसे थोड़ी है। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। ऐसे प्रभु जो अज अजन्मा है, जो समस्त भूतों के ईश्वर है, प्रकृति को वशीभूत करके प्रकट होते हैं, ऐसे नहीं होते वो। तो भगवान ने ये जो स्वरूप जगन्नाथ जी का धारण किया, और बताएं ये कथा कब की है? यह पद्म कल्प की, नीलमाधव की। और पद्म कल्प के अंत में नीलमाधव चले गए थे, और अब कौन सा कल्प है? श्वेत वाराह। जब वाराह भगवान आए कौन से? सफेद शूकर के रूप में, ये श्वेत वाराह कल्प है। अच्छा, फिर भगवान ये दारू में विग्रह में कब आए बताएं? ये श्वेत वाराह कल्प तक हजार अश्वमेध यज्ञ चले, और उसमें कौन से मन्वंतर में? स्वरोचिष मन्वंतर में आए थे भगवान जगन्नाथ जी। और ये कौन सा मन्वंतर है? वैवस्वत मन्वंतर। तो भगवान श्री कृष्ण जो इस चतुर्युग में आए ना, वो खुद यहां आए थे अर्जुन के साथ में। तो यहां वर्णन आता है उन्होंने भगवान मधुसूदन का पूजन किया, मतलब भगवान मधुसूदन जगन्नाथ जी यहां पहले से विराजित थे। श्री कृष्ण का ये जगन्नाथ स्वरूप, क्योंकि हर चतुर्युग में हर मन्वंतर में भगवान श्री कृष्ण रूप में आते ही हैं। तो नाना विविध राम अवतारा, नाना विविध राम अवतारा, रामायण सतको अपारा, राम अवतारा, अवतारा। देखिए अजन्मा प्रभु ऐसे प्रगटे हैं, और ये जगन्नाथ भगवान की जो विधि है, ये विधि कैसी है? जब विश्वावसु गंधर्व ने, विश्वावसु शबर ने